आज के इस वीडियो में हम रिजर्वेशन के बारे में बात करेंगे। कितना परसेंट रिजर्वेशन मिलता है ओबीसी को, कौन कौन से इंस्टीट्यूट में मिलता है, कितना परसेंट एससी को मिलता है, कितना परसेंट ईडब्ल्यूएस को कौन कौन से इंस्टीट्यूट में मिलेगा, स्टेट में कितना मिलेगा, एमसीसी की जब काउंसलिंग होगी तो उसमें रिजर्वेशन कितना मिलेगा स्टूडेंट को, इसके बारे में विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि जो एमसीसी द्वारा काउंसलिंग करवाई जाती है वो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए करवाई जाएगी। इसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एमएएमसी, एलएचएमसी, यूसीएमएस, बीएचयू, एएमयू और इसके बाद में जामिया जो डेंटल यूनिवर्सिटी है उसके लिए की जाएगी। इसके बाद एम्स, जिपमर और डिम्ड यूनिवर्सिटी के लिए एमसीसी द्वारा की जाती है। इसके बाद स्टेट के लिए 85% स्टेट की जो गवर्नमेंट सीट है उनके लिए और 100% प्राइवेट सीट के लिए काउंसलिंग की जाती है। जो ओपन स्टेट है उसमें प्राइवेट के लिए वो ओपन कोटा के लिए भी काउंसलिंग स्टेट ही करवाते हैं। तो हम इसमें अगर रिजर्वेशन देखते हैं कि कौन से इंस्टीट्यूट में कितना रिजर्वेशन होगा, तो इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं। हम सबसे पहले बात करें हम 15% ऑल इंडिया कोटा की, तो इसमें 15% ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ दो ही रिजर्वेशन होते हैं। एक एससी का रिजर्वेशन होता है 15% और एसटी का रिजर्वेशन होता है 7.5%, यानी कि टोटल 22.5% रिजर्वेशन ही होता है ऑल इंडिया कोटा में। जितने भी इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं 15% सीट के लिए उनमें सिर्फ दो ही प्रकार का कोटा होता है, एससी और एसटी का। उनमें ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कोई कोटा नहीं होता है। इसको समझने के लिए मान लो किसी स्टेट की कोई कॉलेज है उसके अंदर 200 सीट्स हैं, उस कॉलेज में 200 सीट्स हैं, तो 15% ऑल इंडिया कोटा के लिए वो 30 सीट्स पार्टिसिपेट करेगा। 15% जिसपे ऑल इंडिया का कोई भी किसी भी स्टेट का स्टूडेंट एडमिशन ले सकता है, वो डोमिसाइल फ्री है। अब इन 30 सीट्स में जो इसका रिजर्वेशन होगा वो 15% एससी कैटेगरी के लिए होगा, यानी कि इसमें जो सीटें होगी 13 की जो 15% सीटें हैं वो एससी कैटेगरी के लिए होगी और 7.5 सीट्स होंगी वो एसटी कैटेगरी के लिए होंगी। अब 7.5 सीट्स कैसे निकालेंगे, इसमें तो या तो 7 सीट्स रखना पड़ेगा या 8 सीट रखना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि स्टेट की जितनी सारी कॉलेजें हैं उनमें से रोस्टर के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे एक कॉलेज में 8 सीट दे दी जाती है और एक कॉलेज में 7 सीट दे दी जाती है, तो इसलिए स्टेट का इक्वल हो जाता है रिजर्वेशन। तो इस प्रकार से ऑल इंडिया कोटा में सिर्फ दो ही प्रकार के रिजर्वेशन होंगे, 15% होगा एससी कैटेगरी के लिए और 7.5% होगा एसटी कैटेगरी के लिए। जो बाकी है जनरल कैटेगरी के लिए वो 77.5% बच जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए, और जो जनरल कैटेगरी के ईडब्ल्यूएस के और ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो इसी से सीट लेंगे, यानी कि वो सारे जनरल में ही काउंट होते हैं ईडब्ल्यूएस और जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं। इस कंडीशन में ऑल इंडिया कोटा के 15% कोटा में, तो इस प्रकार से ये तो हो गया 15% का रिजर्वेशन, यानी कि इसमें दो ही प्रकार का एससी एसटी का कोटा होता है, बाकी सारे इसमें काउंट होते हैं जनरल में। अब बात करें हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जब हम बात करेंगे तो यहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो कोटा होता है वो 4 प्रकार का कोटा होता है, चारों कास्ट के लिए वो कोटा होता है। सबसे पहले ईडब्ल्यूएस का 10% होगा, ओबीसी का 27% होगा, एससी का 15% होगा, एसटी का 7.5% होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो इंस्टीट्यूट आते हैं, मौलाना आजाद आता है, लेडी हार्डिंग आता है, यूसीएमएस जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है,
इसके बाद BHU, AMU और BDS का जामिया आता है। ये सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आते हैं और इनमें ये सारे के सारे कोटा अवेलेबल होते हैं इसमें कैटेगरी वाइज। तो इसमें EWS का 10%, इसके बाद OBC का 27%, SC का 15%, ST का 7.5% कोटा लागू होता है। अब जो PWD का है, PWD का 15% हो, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हो, चाहे एम्स जिपमर का हो, ये जो तीनों इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, इनमें जो PWD का रिजर्वेशन है वो 5% होरिजेंटली है। यानी कि होरिजेंटल का मतलब है कि जैसे मान लो किसी कॉलेज में 200 सीटें हैं, इन 200 सीटों के अंदर जो OBC का रिजर्वेशन है वो 27% है। इन 27% में जो OBC की सीटें हुई, मैं टोटल सीटों की बात कर रहा हूं, OBC की जो सीटें हैं 54 सीट्स OBC की होंगी। इन 54 सीट्स में 5% कोटा जो फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए होगा, ये 5% कोटा होगा ये। इसी प्रकार से जो SC की सीटें होती हैं उनमें 5% ST कैटेगरी में होता है, यानी कि कैटेगरी वाइज उनका 5% PWD का फिजिकल हैंडीकैप्ड का कोटा होता है। अगर उस कैटेगरी में PWD के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो वो नॉर्मल कोटा यानी कि उनकी कैटेगरी के कोटा में वो सीट अलॉट हो जाती है उस कंडीशन में जब ये कैंडिडेट अवेलेबल नहीं होते हैं। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सभी प्रकार का कोटा होता है और वो उनका परसेंटेज जो है वो मैंने बताया, EWS 10%, OBC 27%, SC 15% और ST 7.5% इनमें कोटा रिजर्व है। अब हम बात करें एम्स और जिपमर की, तो एम्स और जिपमर के लिए सेम यही सेंट्रल यूनिवर्सिटी की कंडीशनें लागू है रिजर्वेशन रूल के लिए। सेम इनमें भी, एम्स और जिपमर में भी EWS कोटा होगा, OBC कोटा होगा, SC कोटा होगा, ST कोटा होगा और जो होरिजेंटल है वो 5% PWD के लिए कोटा रहेगा। तो ये कंडीशन हो गई एम्स और जिपमर में रिजर्वेशन की। अब बात करें हम डिम्ड यूनिवर्सिटी में, तो डिम्ड यूनिवर्सिटी ओपन टू ऑल है, यानी कि सभी कैटेगरी को यहां जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाता है। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी में जो माइनॉरिटी डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें मुस्लिम माइनॉरिटी का यानी MM कोटा होता है और कुछ यूनिवर्सिटी में जैन माइनॉरिटी यानी JM कोटा होता है। इसके अलावा बाकी जो कोटा होता है सभी डीम्ड यूनिवर्सिटी में जनरल कोटा होता है, यानी कि वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट हो, SC, ST, OBC का, वो सिर्फ जनरल की सीट में ही काउंट होगा, वो जनरल कैटेगरी में ही काउंट होता है डीम्ड के कंडीशन में। इसमें NRI की 15% सीट रिजर्व होती हैं, उस पर NRI, OIC और PIO कैंडिडेट इसके अंदर एलिजिबल हैं, वो NRI कैंडिडेट की कंडीशन में। तो इस प्रकार से ये तो हो गया कोटा। अब ये जो मैं आपको यहां बताऊं कि इसमें जो AMU की सीटें हैं, इसमें AMU में दो प्रकार का कोटा होता है, इनका ऑल इंडिया कोटा भी होता है और इंटरनल कोटा भी होता है। इंटरनल का मतलब कि जिन स्टूडेंट ने AMU से 10th, 11th, 12th क्लास पास कर रखी है वो इसके इंटरनल कोटा के लिए इलिजिबल हैं। ये दोनों कोटा 50-50% है, यानी कि 50% ऑल इंडिया कोटा का है AMU में, जिसमें कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है, और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन में SC ST का कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है। इसके अलावा जो इंटरनल इंस्टीट्यूशनल कोटा है जिन स्टूडेंट ने 10th, 11th, 12th AMU के स्कूल से कर रखी है उसका एक ही कोटा होता है, इसमें किसी प्रकार का उसका रिजर्वेशन नहीं होता है, कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन नहीं होता है इसमें। तो ये तो कंडीशन हो गई MCC में किस इंस्टीट्यूट में क्या रिजर्वेशन होता है। अब हम बात करें स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के लिए, तो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के लिए 85% में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें ये सारा का सारा रिजर्वेशन होता है। EWS 10% रहेगा, OBC
27% रहेगा, एससी 15%, एसटी। अब इसमें कुछ स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना कुछ अपने जहां उनकी ये कास्टें हैं उनमें कुछ रिजर्वेशन दे रखा है, जैसे महाराष्ट्र ने कुछ दे रखा है, तो राजस्थान ने भी एमबीसी वगैरह दे रखा है, तो इस प्रकार से उनका भी यहाँ कोटा उस कंडीशन में किसी किसी स्टेट में एप्लीकेबल होता है, वो स्टेट पर डिपेंड करता है। इसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी इस प्रकार का कोटा अवेलेबल होता है। बात करें हम ओपन स्टेट की, तो जो ओपन स्टेट है, 13 ओपन स्टेट है जो अपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अदर स्टेट के कैंडिडेट को अलाउ करते हैं, वो ओपन स्टेट दूसरे स्टेट के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट करते हैं, चाहे वो दूसरी कैटेगरी में किसी भी कैटेगरी का हो। अगर दूसरे स्टेट में अगर एससी कैटेगरी का है तो वो ओपन स्टेट की जो सीट लेगा वो जनरल कैटेगरी से ही उसको सीट अलॉट होगी। तो ये रिजर्वेशन रूल थे एमसीसी के और स्टेट के जो मेडिकल में दिए जाते हैं, एमबीबीएस और बीडीएस में दिए जाते हैं। बाकी कल के डाउट आपके जो भी रहेंगे कल के डाउट सेशन में क्लियर किए जाएंगे, क्योंकि मेरे को ये डाउट्स पता लगते हैं जब मैं आपसे पर्सनली कांटेक्ट करता हूं। जिन स्टूडेंट ने मेरी बुक डाउनलोड की है उनसे मैं एक बार पर्सनली कांटेक्ट करता हूं, तो उनके जो डाउट होते हैं वो डाउट मैं आपको यहां इस डाउट सेशन में क्लियर करता हूं। अगर आपको भी काउंसलिंग के बारे में कोई ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से बुक डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें मैंने सीट मैट्रिक्स, ट्यूशन फीस और कट ऑफ के बारे में अच्छी तरह से समझा रखा है, तो आप वहां से काउंसलिंग के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों कल के डाउट सेशन में फिर आपसे नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक मैं हर्षाय चोपड़ा आपसे लेता हूं विदा। जय हिंद।